हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे ओडिशा पुलिस का जो वैकेंसी निकल के आया था, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, 1722, और दूसरे में है टोटल करीब आपको 3000 समथिंग वैकेंसी था। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पे पहले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्लियर कर रहे हो तो रिटन टेस्ट दे रहे हो, तो रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बाद आपको वीडियोज एक बना दूंगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, पीईटी में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है, उसके बारे में भी वीडियोज बना दूंगा। और दोस्तों, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो यहाँ पे आप अगर नीचे आओगी तो यहाँ पे भी एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो पूरा डिटेल्स में सिलेबस, वो आप मैं दिखा देता हूँ अभी। दोस्तों, अभी आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ई का सर्च कीजिए, और जहाँ पे मैं आपको रेलवे एसएससी के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी जो भी इशू है, मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ, तो आप मुझे जाके अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, जो रिटन टेस्ट होगा वो आपको 35 मार्क में रहेगा। तो 35 मार्क कौन सा रहेगा, 10th और 12th लेवल में, प्लस टू लेवल में यहाँ पे एग्जाम होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये OMR बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और क्वालिफाई सिलेक्ट बोर्ड डिसाइड मिनिमम क्वालिफाई मार्क, मतलब आपकी जो मिनिमम मार्क रहेगा वो डिसाइड करेगा बोर्ड। तो बात करते हैं आपको जो नोट पूरा डिटेल्स में आपकी जो सिलेबस, वो हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ओडिशा पुलिस का जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, वो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो एग्जाम टाइप होगा दोस्तों OMR बेस, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज में आएगा, ओडिया लैंग्वेज में आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। टोटल आएगा 35 क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैं जो दिखा रहा हूँ, 35 क्वेश्चन। और वो जो आएगा, मैथमेटिक्स से आएगा कुछ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से आएगा क्वेश्चन, रीजनिंग से आएगा दोस्तों क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। टोटल कुल मिला के 35 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको रखना पड़ेगा दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपको सही रखना पड़ेगा। 20 से अगर 25 क्वेश्चन आप टिक कर रहे हो तो आप रिटन टेस्ट क्लियर हो सकता है दोस्तों। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो बनाया, आप लोग को सिलेबस पता होना चाहिए। अगर बात करेंगे तो सिलेबस यहाँ पे दोस्तों ओडिया लैंग्वेज से कुछ आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ आएगा। ओडिया लैंग्वेज से क्या आएगा, आपकी जैसे कि ओडिया लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओडिया का देख सकते हो, सिलोलिज्म, एंटोनिज्म, यहाँ पे सारे जितना भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सारा सिलेबस दिया गया है, ये सारे ओडिया लैंग्वेज से आएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अरिथमेटिक, जो मैथमेटिक्स के बात करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप चेक कर सकते हो इसका। मैथमेटिक्स टाइम एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे ओडिया में आप अगर पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। पाइप एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोबाबिलिटी, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे दोस्तों आएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। उसके बाद जनरल नॉलेज के बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ज्योग्राफी आएगा, साइंस आएगा, इंडियन हिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी, करंट अफेयर आएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, ये सारे आपको जनरल 35 क्वेश्चन आएगा, पर ज़्यादा नहीं आएगा। 35 मतलब एक एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन भी आ नहीं सकता है, मतलब बहुत कम आएगा। रीजनिंग के बात करेंगे तो सिलोलिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डिरेक्शन, यहाँ पे दोस्तों एनालॉजी, और यहाँ पे वर्बल रीजनिंग, रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, ये सारे आपको रीजनिंग से भी मिल जाएगा दोस्तों। ये जो सिलेबस बताया, इसको आप पढ़िए, या इसको आप ध्यान में रखते हुए आपकी रिटन टेस्ट मतलब को तैयारी कीजिए। अगर रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है आपकी जो ओडिशा पुलिस में। दोस्तों, ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आप मेरा चैनल के साथ जुड़ जाइए, ओडिशा पुलिस का पल पल का अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा, कैसे आपको ओडिशा पुलिस क्रैक करना है। ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।